आज उसरी गेट स्थित जो गली में वहाँ पे एक भवन गिरा था, जर्जर भवन था, और हादसा होते होते जो बच गया था जनानी, उसके लिए नगर निगम में हम लोगों ने कंप्लेन करी थी और पहले लिख के भी दिया था। तो उसकी जांच करके आज नगर निगम वाले उसको, इन लोगों को नोटिस भी दे चुके हैं पार्टी को, और उसके बाद उसको गिराने भी आए ताकि आसपास की जो बिल्डिंग है उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो पाए। आसपास वाले सब राजी मैडम? बिल्कुल आसपास वाले राजी, क्योंकि आसपास वालों को ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि उनको रात में घर में बैठना और सोना बड़ा मुश्किल हो रहा था, उसकी वजह से आसपास के मकान भी हिल रहे थे। तो इस वजह से इस कोई जनहानि ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बुला के निगम को और सभी लोग प्रशासन को बुलाया। इस मकान के पास भी दो तीन मकान की अवस्था बहुत खराब हो रही है, इसकी भी कार्रवाई? देखिए, उनको भी निगम ने नोटिस दिया है। अब ये तो जिसका मकान है उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर निगम उनको नोटिस दे रहा है तो उसकी हम कार्रवाई पूरी करें। निगम और पुलिस या पार्षद ये जाके मकान को हिलाएगा नहीं जब तक मकान मालिक खुद नहीं चाहेगा। तो मकान मालिक अगर कोर्ट का काम है तो कोर्ट से करवाए, अन्यथा उसको अपने आप स्वयं गिराए ताकि किसी प्रकार की जनहानि। कौन सा इलाका है ये? उसरी गेट ठठेरा चौक है, और ये गली में ये मकान है जो कि काफी बरसों पुराना है। उसके बगल में ये सक्सेना साहब है, उनका मकान है ये। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 12 है। जहाँ मेरा नाम भारती श्रीवास्तव है, पूर्व पार्षद हूँ। आज नगर निगम की टीम एक्शन साहब नारसिंह जी के नेतृत्व में यहाँ उसरी गेट के जर्जर मकान की कार्रवाई के लिए आई है। 6 तारीख को बारिश के दौरान दूसरी गेट पर एक मकान था जो बारिश की वजह से पट्टी टूटने से कुछ ध्वस्त हो गया था, जिसमें एक मकान के अंदर एक व्यक्ति रहता था जो जिसकी कोई जानहानि नहीं हुई, वो सुरक्षित बाहर आ गया था। उसके बाद में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और अभी मकान है उसमें एक दो किराएदार कोई रहते बताए पुराने, उनको भी सूचित कर दिया है, और नगर निगम की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल रही है। क्या मकानदार इस चीज़ के बारे में नगर निगम ने अपना जो भी है कार्रवाई करके आए हैं वो निगम की मामला है। आपका नाम? मेरा नाम राजाराम एसआई। पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से मैं और मेरा जाब्ता यहाँ आए।